देखो इसका सही तरीका तो ये है, हमने भी अपनी बारी पहली बारी तैयार करी। अच्छा जी, जो हमें तजुर्बा हुआ इसका तैयार करने का, इसमें 20% तो बारीक सड़ी हुई गोबर की खाद, 20% मिट्टी और बाकी बचा हुआ 60%। ये देखो इसमें भरपूर नमी है अभी, ये भी फिलहाल जो है ना इसके अंदर पूरा, अगर दो दिन भी रखा रहे ना ऐसे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, जड़ बहुत बढ़िया हो रही है इसमें। काफी अच्छी ग्रोथ, लंबी जड़ जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसकी चौथी बार बुआई कर रहे हैं। हाँ ये जो खेत है ना जी, इस खेत के अंदर ना ये जो है चौथी बार बुआई हो रही है जी, पहले मार्च में करी, 38 नहीं बुआई आपकी बार, 38 की बुआई तो करी लेकिन बहुत थोड़े एरिया में, 7-8 भी गई ऊपर का आधा, इन्हीं के ऊपर का रखा है जी, लाल काना छटाई करके। तो सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, स्वागत है जी आपका अपने YouTube चैनल राणा एग्रीकल्चर, और साथ में आप ये वीडियो देख रहे हो जी फार्मर बंदे YouTube चैनल और Facebook पेज के ऊपर भी। तो गन्ने की जो है जी पौध की सीधी बिजाई खेत के अंदर चल रही है जी, ये पूरा प्लॉट है जी जिसके अंदर जो है आज इस गन्ने की बुआई होनी है जी, और ट्रेव के अंदर जो है ये नर्सरी तैयार की गई है, लगभग 7 से 8 बीघे का ये खेत है जी। पूरी जो है इस खेत के बारे में जानकारी अपने भाई से लेंगे जी, बड़े भाई साहब जो हैं जिनका फेसबुक पेज है जी राणा एग्रीकल्चर के नाम से। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। पहले तो आप अपना परिचय दे दो और अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत कर दो। अच्छा जी, पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा हाथ जोड़ के, मेरा नाम है अमित राणा और मेरा यूट्यूब चैनल है राणा एग्रीकल्चर फार्मिंग, और फेसबुक पे भी राणा एग्रीकल्चर फार्मिंग के नाम से मेरा पेज है। तो जी पहले आप जो है अपने गन्ने की जो वैरायटी है कौन, इसके अंदर जो है नर्सरी कब तैयार करी थी पहले ये बताओ, और इसकी वैरायटी के बारे में बताओ। ये वैरायटी है जी 13235। अच्छा जी, और लगभग एक महीना हो गया से, 13235 जो है 84-36 की प्लट है, मे बी नहीं। अच्छा जी, 84-36 की प्लट है, 14201। अच्छा 14201 है, 13235 तो नर्सरी तैयार हुए कितना दिन हो गया, एक महीना हो गया से। ट्रीट कैसे करी थी आपने ये ट्रीट जी? इसकी ट्रीट के लिए हमने जो है थाइफोनेट मिथाइल, अच्छा जी, और इसका एक आंख का टुकड़ा कटर से निकाला और एक पानी के ड्रम में उसे कम से कम 2 घंटे बेक रखे थे। अच्छा जी, करेट के माध्यम से, करेट एक डाल देते, दूसरी जितना कटिंग होती इतना वो ट्रीट हो जाती। चलो तो आज ये नर्सरी कितने दिन की हो गई है? एक महीने की होगी पूरी। कोकोपिट जो है और उसके साथ जो आपने इसके अंदर मिट्टी या फिर जो है खाद देसी? देखो इसका सही तरीका तो ये है, हमने भी अपनी बारी पहली बारी तैयार करी। अच्छा जी, जो हमें तजुर्बा हुआ इसका तैयार करने का, इसमें 20% तो बारीक सड़ी हुई गोबर की खाद, 20% मिट्टी और बाकी बचा हुआ 60% कोकोपिट, यानी कि मॉइस्चर जो है वो फिर बैलेंस बना रहे हैं। हमने इसमें मिट्टी नहीं मिलाई, हमने सड़ी हुई गोबर की खाद और कोकोपिट से ही तैयार करी, कुछ हमने बिल्कुल निखालिस कोकोपिट में ही तैयार करी, वो जमीन ही पाई उनमें नमी रुकी नहीं, यानी मॉइस्चर जो है के लिए इसमें 20% मिट्टी होनी चाहिए जरूर। गैप कितना रख रहे हो और जो खूड है अभी तो कैंची है, आज जो तारीख है वो आएगी वो 28 मार्च होगी, 28 मार्च 2024 आज हो चुकी है जी। तो हमने जो फॉर्मूला है इसका, कूल से कूल की दूरी तो है 32-30 इंच। अच्छा जी, और इससे पौधे से पौधे की दूरी है 15 इंच जो का मानना है हमारा, लेकिन लगाने में जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा गैप जो है कम कर रहे हैं भाई, कह तो रहे हम बार बार लेकिन क्योंकि जब ये पौध जब तैयार होगी ना ये तो गन्ना बिल्कुल बिठ जाएगा,
और फंगी इसके अंदर ना फंगस ज्यादा होगी एकदम। इसका मैटा वैसी कौन सी से बढ़िया हो जाए बहुत, हाँ बहुत ज्यादा फूट कर है गुंछा टाइप बिल्कुल, बल्कि जो असोज में करने की बुआई करे तो फिर तो एक लाइन बीच में से हटा दें 5 फीट पा जाए सीधे, और पौधे से पौधे की दूरी भी 1.5 फीट कर दें। ट्रेंच पे चले जा फिर वो, हाँ 18 इंच पे लिया मैं पौधे से पौधे की दूरी। तो आज ही पानी चलाओगे इसके अंदर? भाई विचार तो है, पहले तो लग जाए, और पानी अगर आज भी नहीं चल पाओ कल को चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ एक पौधा, ये देखो इसमें भरपूर नमी है अभी, ये भी फिलहाल जो है ना इसके अंदर पूरा, अगर 2 दिन भी रखा रहे ना ऐसे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, जड़ बहुत बढ़िया हो रही है इसमें। काफी अच्छी ग्रोथ, लंबी जड़ जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है जी। और हमने इस पे स्प्रे जो है घर पे ऊपर लेसेंटा का स्प्रे भी करा है। अच्छा लेसेंटा दे दिया इसको। अब फिलहाल हम खेत में कुछ नहीं डाल रहे क्योंकि एक साल में हम इसकी चौथी बार बुआई कर रहे हैं। हाँ ये जो खेत है ना जी, इस खेत के अंदर ना ये जो है चौथी बार बुआई हो रही है जी। पहले मार्च में करी, मार्च में पानी के अंदर करी थी ट्रंच के साथ, और जो है एकदम से फिर जो है बरसात होगी तो जो जमाव नहीं आया, फिर दोबारा कराया। तो ये जो आप देख रहे हो ये नहर है जी, और नहर के नीचे से जो है एक नदी निकल रही है, पीछे पानी ज़्यादा है फ्लडिंग के कारण जो है ये गन्ना पूरा ख़राब हो गया था। फिर इसकी जो है सितंबर अक्टूबर में दोबारा जो है सिरसों के साथ बुआई करी, सिरसों तो हो गई है लेकिन जो है गन्ना जर्मिनेशन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो अब ये चौथी बार जो है इसकी सिंपल मेथड से जो है हम इसकी बुआई कर रहे हैं जी। तो बीज कौन सा रिकमेंडेशन कर रहे हो अब की बार? अच्छा 38 नहीं बोया आपकी बार? 38 की बुआई तो करी लेकिन बहुत थोड़े एरिया में, 7-8 भी गई ऊपर का आधा, इनके ऊपर ऊपर का रखा है जी। लाल काना छटाई करके, रोग वाला करना नहीं है इसमें कुछ भी, साफ करके बोया। बाकी ज्यादातर बुआई जो है 18-13-235-14-201, कुछ एरिया में 15-0-23 भी लगाई। अनुमान 5 बीघे में कितनी आंख जो है इसकी लग जाएंगी? ये तो साथियों वीडियो आपको अच्छी लगे तो फेसबुक और जो है यूट्यूब दोनों ही पेज को जो आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।